ठीक है जी। पाइवट टेबल में क्या चीज होती है कि सबसे पहले हमें डेटा को समराइज करना होता है। कोई भी डेटा होगा, बड़ा डेटा होगा आपका, जरूरी नहीं डेटा एक्सेल में ही हो, किसी भी अलग सॉफ्टवेयर में हो या किसी एसक्यूएल सर्वर में एक्सेस में हो, तो एक्सेल का मोस्टली यूज क्या होता है, रिपोर्ट फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, जिसमें पाइवट टेबल एक जबरदस्त टूल है। और पाइवट टेबल में सबसे पहला रूल जो होता है हमारे, ये डेटाबेस के नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तो समझ लीजिए इन इस टाइप के डेटा जो मेरे पास है, इसको ट्रांजैक्शनल डेटा कहते हैं। तो एक्सेल में मोस्टली हम ट्रांजैक्शनल डेटा पे रिपोर्ट बनाते हैं। कोई सेल्स रिपोर्ट हो गई या कुछ भी हो गया, उसमें आपको समरी बनानी पड़ेगी। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, खाली आपकी समरी होती है, ठीक है जी। सपोज अगर इस डेटा को देखूं तो मेरे पास डेट है, इसमें नेम है, सिटी है, सेल्स है, इससे किस किस तरह की रिपोर्ट बन सकती है, पहले उसका एक आपके पास डायग्राम होना चाहिए दिमाग में कि कैसा बनाते हैं। अगर आपका प्लानिंग में थोड़े से कमजोर है तो बेटर है कि आप एक रफ डायग्राम बना लें, ठीक है जी। जैसे आपको चाहिए सिटी वाइज डेटा, ठीक है जी, यहाँ पे सिटी आ गई, यहाँ पे जो आपके आएंगे नेम आ जाएंगे हेडिंग में, देन उनकी समरी आ जाएगी, ठीक है जी। तो इससे जो क्वेरीज निकलती हैं, वो क्या क्या निकलती हैं इस डेटा को देख के, कि एक पर्टिकुलर पर्सन की टोटल सेल कितनी है, एक पर्टिकुलर पर्सन की, एक पर्टिकुलर सिटी में सेल्स कितनी है, एक पर्टिकुलर पर्सन की मंथली सेल कितनी है, या टोटल सेल, हमारी मंथली सेल क्या है, टोटल सिटी की सेल क्या है, या टोटल एम्प्लॉय की सेल क्या है। तीन पहले तो मेजर क्वेरीज बनेंगी, ठीक है जी। देन अगर आपको एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, परसेंटेज निकालना है, सेल्स वर्सेस टारगेट है, तो इस तरह से आप डेटा को समराइज करके निकाल सकते हैं। तो पाइवट टेबल के लिए सबसे मेजर जो रूल है कि आपका एवरी कॉलम जो है, जो भी जिसमें आपका डेटा है, उसमें आपकी हेडिंग जरूर होनी चाहिए। विदाउट हेडिंग ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है जी, एरर दिखाएगा। दूसरा, हम में से कुछ लोग इस तरह से करते हैं, जैसे एनुअल से एनुअल यहां डाल दिया, सेल्स यहां डाल दिया, ठीक है जी। कॉलम जो आपके है, कॉलम हेडिंग्स जो है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए, ना ही डेटा इस तरह का होना चाहिए कि मान लीजिए आपने यहां से मर्ज कर दिया, इस तरह का डेटा नहीं चलता है कभी भी पाइवट टेबल में। सबसे डेटाबेस का सबसे पहला रूल यही है कि आपका जो एक कॉलम है या एक हेडिंग है, वो अपने पूरे कॉलम के बारे में डिफाइन कर रहा हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास सेल्स, दो सेल्स हैं, ठीक है जी, तो दो सेल्स का मतलब हो सकता है डे वन की हो सकती है, डे टू की हो सकती है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको जैसे 2 दिन की सेल है तो यहाँ पे सेल्स कर देंगे मर्ज करके, देन इसमें डे वन और डे टू डालेंगे, ठीक है जी, इस तरह से डालेंगे। पर जो रूल है वो ये कहता है कि आपको एक ही फील्ड में देना है, सेल्स डे वन, ठीक है जी। तो एक कॉलम आपका अपने आप में पूरा का पूरा डिफाइन करना चाहिए, ठीक है जी। ये सबसे पहला रूल है इसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बगैर आप अपना पाइवट टेबल पे अच्छे से काम नहीं करते कर सकते, ठीक है जी। अब जैसे कि हमारे पास डेटा है, तो सबसे पहले पाइवट कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। आप अपने डेटा को कहीं से भी सिलेक्ट कर लें, रूल वही है जो आप सॉर्टिंग में था, जो हमारा फिल्टर में था, कि कंट्रोल ए करके जितना डेटा सिलेक्ट हो रहा है वो उसी के अंदर, उसी पे ही आपका लगेगा, तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। इसमें जो है, इसमें इस बात का ध्यान रखें कि आपके लाइन ब्रेक्स वगैरह ना हो, क्योंकि लाइन ब्रेक्स करेंगे तो इसका जो डेटा है वो आपको ब्लैंक्स के रूप में एक फील्ड अलग से दिखाएगा, तो परेशान करेगी, तो ऐसा ना करें। डेटा हमेशा ऐसा क्लीन रखें विद नो गैप्स, ठीक है जी। अब लगाता हूँ इंसर्ट में जाके, यहाँ पे हमारे पास पाइवट टेबल है, क्लिक कर दीजिए, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा, सिलेक्ट टेबल और रेंज, टेबल और रेंज, इसमें जो है आपका डेटा ऑटोमेटिक मेरा सिलेक्ट हो गया। अगर नहीं हुआ तो यहाँ से क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके पूरा आप डेटा सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। देन आपको दिखाना कहाँ है, हो
आप यूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। बाय डिफॉल्ट ये न्यू शीट सिलेक्टेड रहता है, मतलब आपका डेटा का आउटपुट जो है किसी और नई शीट पे आता है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करेंगे तो लोकेशन दे सकते हैं कि कहाँ लगानी है आपने, ठीक है जी। ओके कर दूंगा। अब आप देखेंगे जो फील्ड्स वहां थी वो मेरे पास इधर आ गई है, इस कोने में। पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट जो हेडिंग्स थी वो सारी यहाँ आ गई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चार स्पेस है, जिसमें सबसे पहला है रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल, वैल्यू लेबल। अब इसमें आप डेटा कैसे समराइज करेंगे? मान लीजिए आपको सिटी वाइज डेटा चाहिए, ठीक है जी। पहली क्वेरी है कि हर किटी सिटी में कितनी सेल्स है। मैंने सिटी सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया वो जाकर रो लेबल में बैठ गई। आप यहां से पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है जी। देन आप कहेंगे इस पे सेल्स पे क्लिक करेंगे तो सेल्स का डायरेक्टली आपके यहाँ आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया, आपके हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं आप जैसे मर्जी चाहे। देन क्या करना है, मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है पलवल की में सेल इतनी, फरीदाबाद में इतने, दिल्ली में, नोएडा में इतना। मेरे पास एक समरी क्रिएट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ऐसे नहीं देखनी, मुझे नेम वाइज देखनी है। अब पहली प्रायोरिटी जो थी मेरी वो थी मेरी इनकी सिटी की। सेकंड प्रायोरिटी है कि नेम की, तो जो पहली प्रायोरिटी होगी जो प्रायर होगा उसको यहां देंगे जिसके नाम से रिपोर्ट बन रही होगी, ठीक है जी। दूसरे वाले को हम क्या देंगे, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप आपका नीचे आ जाएगा रो लेवल में। रो लेवल में आएगा तो आपको डेटा कुछ इस तरह से दिखाएगा। यहाँ पे आपके बटन्स बने आ जाएंगे, टोटल सेल आपको दिखा रहा है। इसको ओपन करेंगे तो इसमें हर एक बंदे की अलग अलग सेल दिखा रहा है कि इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है सबका, ठीक है जी। इसको उठा के मैं रो कॉलम में भी कर सकता हूँ, कॉलम वाइज आ जाएगा, ठीक है जी। अलग अलग यहाँ पे सिटी आ गई, यहाँ पे कॉलम आ गए, ठीक है जी। आप चाहें तो इनको स्विच कर सकते हैं, नेम इधर कर सकते हैं, सिटी उधर कर सकते हैं, जिसकी प्रायोरिटी है जैसी उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। सिटी वाइज रिपोर्ट बन रही है तो आप सिटी को रो में रखेंगे, एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट बन रही है तो आप एम्प्लॉय को रो में रखेंगे, उसको कॉलम में कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा जो है पाइवट चलता है, शुरुआती रूल्स में इस तरह से चलता है। अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराता हूँ इसमें, डेट, ठीक है जी। डेट को मैं ले लेता हूँ, डेट की सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे ऊपर ले लेता हूँ। डेट वाइज क्या सेल है, डेट ऊपर कर दी मैंने। अब हर एक डेट को सबकी सेल तो आ रही है, पर मैं ये चाह रहा हूँ डेट का मुझे वैसे तो कुछ लेना देना नहीं, मजा जब आएगा जब कुछ मैनिपुलेशन करूंगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो पहले यहाँ डेट की फील्ड सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी। देन आपके पास यहाँ पे ग्रुप ग्रुप देख रहे हैं, इसमें इस पे क्लिक करेंगे डेट सिलेक्ट करके। इसमें अब मुझे चाहिए मंथ वाइज रिपोर्ट, ठीक है जी। मुझे डेट तक का कुछ नहीं करना, मुझे मंथ चाहिए। तो अगर आपके पास डेट जेन्युइन फॉर्मेट में है तो आपके पास यहाँ पे अलग से ऑप्शन आता है, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आपकी यहाँ पड़ जाएगी। अब यहाँ पे मंथ पड़ा हुआ है, अगर मैं मंथ पे क्लिक करूंगा तो क्या देखूंगा कि मंथ वाइज रिपोर्ट आ गई। यहाँ एक्सपेंड और कोलैप्स का मेरे पास ऑप्शन होता है, अगर मुझे माइनस वाले एक साथ प्लस करने हैं या प्लस वाले एक साथ सारे के सारे माइनस करने हैं तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ इन दोनों को, ठीक है जी। आप देख रहे हैं कि मेरा मंथ वाइज मेरे को रिपोर्ट दिखा दी, पर इसमें एक गड़बड़ है। ईयर तो हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है जी, मंथ ये सबका दिखा रही है, सारे ईयर्स का जनवरी का डेटा यहाँ पे दिखा दिया इसने, ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे, आप इसके साथ सिलेक्ट कर लीजिए ईयर्स, ठीक है जी। तो आप जब ईयर को एक्सपेंड कोलैप्स करेंगे तो ईयर वाइज डेटा आ गया। एक ईयर को जब एक्सपेंड करेंगे तो इसमें आपका
मंथ वाइज डेटा आ गया, ठीक है जी। यहाँ की कैलकुलेशन अपने आप चेंज होती रहती है आपकी, ठीक है जी। तो जैसे प्रिंट निकालना चाहें उस हिसाब से निकाल सकते हैं। वापस अनग्रुप करना है तो इस पे क्लिक कीजिए, अनग्रुप पे इनको सिलेक्ट करके ये डेट के कॉलम फिर वापस आ जाएगा। डेट के कॉलम में आपके ऑप्शन होते हैं सेकंड, मिनट, आवर्स, डे, मंथ, क्वार्टर, ईयर, मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं एक साथ, ठीक है जी। मंथ डे करेंगे तो आपको मंथ डे वाइज दिखा देगा कि हर मंथ में कौन कौन सी डेट के, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा कि 1 जनवरी है तो वो 2 ईयर की हो सकती है, तो सिक्योर कर लेने के लिए ईयर भी साथ में ले सकते हैं, ठीक है जी। तो आप डेट वाइज भी डेटा देख सकते हैं, मंथ वाइज भी डेटा देख सकते हैं, ईयर वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है जी। इसमें डेट के अलावा भी कोई और ऑप्शन आ सकती है? नंबर्स के होते हैं। अभी हमने जो मैंने आपको दिखाया सारा डेट्स के बारे में था, ठीक है जी। अब मैं डेट को थोड़ी देर के लिए विदा लेता हूँ डेट से। उसको हटाने के लिए, जैसे डेट है यहाँ पे, इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक नहीं करना, क्लिक करेंगे रिमूव फील्ड कर देंगे, या इसको पकड़ के बाहर ड्रैग कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। देन एक चीज एंटर करते हैं, इसमें सेल्स तो दे दी हमने, क्वांटिटी और दे देते हैं। अगर मैं यहाँ पे फील्ड करके क्वांटिटी ऐड करता हूँ तो उसके अंदर मुझे अपडेटेड नहीं दिखाएगा उसके, अगर इसके बीच में कुछ भी डालते हैं आप, तो उसको अपडेट करके अपने आप ले लेगा। पहले मैं इसमें क्वांटिटी दे देता हूँ कि कोई क्वांटिटी इन्होंने सेल करी है, ठीक है जी। क्वांटिटी ले ली, अब कोई भी अपडेशन करने के बाद यहां तो आ नहीं रही है। हम क्या करेंगे, जब हम पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे है पाइवट टेबल टूल्स, इसमें ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे है रिफ्रेश, ठीक है जी। इस पर क्लिक करेंगे या फिर आपका यहाँ राइट क्लिक करेंगे पाइवट टेबल पे, यहाँ पे रिफ्रेश है, ठीक है जी। इसको रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे फील्ड बढ़ चुकी है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिटी को भी हटाता हूँ फिलहाल के लिए, क्वांटिटी रखता हूँ इधर। क्वांटिटी क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट यहाँ सम में चली गई। क्वांटिटी को मैं ऊपर लेके आता हूँ यहाँ कॉलम में, ठीक है जी। अब कॉलम में मेरे पास क्वांटिटी आ गई, पर इस तरह से क्वांटिटी आएगी तो थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे मेरा ग्रुप फील्ड काम करेगा, ठीक है जी। इस पे आपको क्लिक करना है, ग्रुप फील्ड पे कर देना है, स्टार्टिंग और एंडिंग अपने आप ले लेगा ये। कितने कितने का ग्रुप बनाना है, मान लीजिए 10-10 का बनाना है तो 10-10 का बना दीजिए, 20-20 का बनाना चाहता हूँ मान लीजिए, कैसा बनेगा। 10 से 29 तक क्वांटिटी है वहां ये सेल है, 30 से 49 की क्वांटिटी की ये सेल है, 50 से 59 तक ये सेल है, 70 से 90 तक ये सेल है, ठीक है जी। तो इसमें भी ग्रुपिंग हो जाती है। बाकी इसमें सिटी डाल देता हूं मैं, तो आपका इस तरह से भी डेटा आ सकता है। प्रिंटेबल फॉर्मेट का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं सिटी को कॉलम में के अंदर ले जाऊंगा, अगर सिटी ऊपर कर देता हूं तो ये हर एक क्वालिटी दिखा क्वांटिटी दिखाएगा, यहां पे भी दिखा रहा है, फिर यहाँ पे एक सिटी का टोटल कर दिया, फिर फरीदाबाद के लिए भी सेम क्वांटिटी हर एक की, तो रिपोर्ट क्या हो गई, थोड़ी सी लंबी हो गई, पेपर में प्रिंट ना आए। तो इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हमें सेटअप करना है, ठीक है जी। इस हिसाब से भी कर सकते हैं, सेम चीज है। क्वांटिटी को हमने कॉलम में ले लिया, चलिए क्वांटिटी की ग्रुपिंग हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अनग्रुप, अनग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ, अनग्रुप हो गया ये। अब मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी को इसमें डाल देता हूँ, टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, पहले क्वांटिटी देन सेल्स, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी सेल हुई, क्वांटिटी कितनी बिकी और सेल्स कितनी है, ठीक है जी, सेल्स अमाउंट कह सकते हैं। तो ये दो पैरामीटर मेरे पास आ गए। अब इन दो पैरामीटर में आप देख रहे हैं, कई बार इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, अलग अलग दिनों की सेल हो सकती है, 7-8 दिन की हो सकती है, तो सेल्स क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी ऐसे बढ़ती जाएगी, फिर प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है। तो हमारे पास आप जैसे देखेंगे, एक से ज्यादा जब ऐसी वैल्यूज फील्ड में जब जाती हैं, ये कैलकुलेशन वाली जितनी भी फील्ड्स होती हैं हमारी वैल्यू में आती हैं,
वैल्यू में जब आपकी एक से दो जाती है, एक से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे एक वैल्यूज का एक फील्ड बनी हुई आ जाती है। अभी वैल्यू फील्ड दिखा रही है कि कॉलम में लेबल में है, और जब मैं इसको खींच के इधर करता हूँ रो लेबल में, तो रो में इस तरह से आ जाता है, जैसे सिटी थी, हर एक सिटी में आप देखेंगे क्वांटिटी सेल्स क्वांटिटी सेल्स। अब ये हो गई रो वाइज, ठीक है जी। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसा बने वैसा कर सकते हैं, ठीक है जी। सिटी को अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो क्या दिखा रहा है, हर एक सिटी की वो दिखा रहा है, पहले क्वांटिटी की दिखा रहा है देन सेल्स की दिखा रहा है। आप चाहते हैं हर एक सिटी की सेल्स क्वांटिटी दिखाए, तो आपने क्या करना है, इस सिटी को इस वैल्यूज के ऊपर पटक देना है, तो आपको हर एक सिटी की सेल्स क्वांटिटी ये सब दिखा रहा है, ठीक है जी। देन उसके बाद, अब यहां तक तो था रिपोर्ट फॉर्मेशन की, रिपोर्ट फॉर्मेट हमने किस किस तरह से किए। दूसरा ग्रुपिंग में, आपको टेक्स्ट में ग्रुपिंग बताता हूँ कि टेक्स्ट में मान लीजिए आपने टीम डिवाइड कर दी, ठीक है जी। टेक्स्ट में संदीप हरीश एक टीम में, विकास महेश सुजीत एक टीम में, ठीक है जी। आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया ग्रुप सिलेक्शन, तो एक ग्रुप बना दिया इसने, ठीक है जी। बाकी को सिलेक्ट किया मैंने, उनका एक और ग्रुप बना दिया मैंने, ग्रुप टू में मैंने ये डाल दिए, ठीक है जी। तो आपने जो ग्रुप बनाए उनकी भी सेल्स देख सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ही आप ग्रुप बनाते हैं, वो यहाँ पे एक फील्ड और आ गई उसकी सेकंड करके, हटा देंगे नहीं दिखाएगा, कर देंगे फिर से दिखाने लगेंगे, अनग्रुप कर देता हूँ, तो आप सिलेक्ट करके इनको कर सकते हैं। अच्छा इसको अनग्रुप, इसको ऐसे करके मुझे सिलेक्ट करके अनग्रुप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अच्छा ये तो अनग्रुप ही है, ग्रुप वाला कहाँ चला गया, यहाँ ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रुप टू इसको कर देना अनग्रुप, ठीक है जी। तो इन दोनों को अनग्रुप कर दिया मैंने, सेल्स क्वांटिटी आ रही है। अब इसमें देखते हैं, एक और नई चीज पे आते हैं, मैं सिटी को उठा के ले जा रहा हूँ रिपोर्ट फिल्टर में, ठीक है जी। तो रिपोर्ट्स में क्या होता है कि आपका ये जो एक नया फिल्टर क्रिएट होता है, फिल्टर के बारे में बताता हूँ। इसमें पहले सिटी को मैं वापस लेके आता हूँ, इसी के अंदर इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फील्ड आपको जो रो में फील्ड डाली होंगी वो यहाँ पे दिखा देगा। उसमें से मान लीजिए आपको किसी एक आध की देखनी है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कितने की देखनी है सेल, उन दोनों की सेल आ रही है खाली। अब आपको मान लीजिए कि उन दोनों में से फिर सिटी भी सिलेक्टेड चाहिए, तो सिटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन की देखनी है, ठीक है जी। तो ये पूरी तरह से फिल्टर काम करता है, फिल्टर के अंदर एक और फिल्टर होता है, ठीक है जी। तो मैं दोनों को अभी फिलहाल ऑल सिलेक्शन में डाल देता हूँ, देन डिस्टरबेंस आ रही है अपने आप माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। अब मैं इनके फिल्टर हटा देता हूँ, फिलहाल सारे सिलेक्शन कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं सिटी को ऊपर लेके जाता हूँ। रिपोर्ट फिल्टर क्या होता है, एक तरह से पेज फिल्टर की तरह काम करता है। मान लीजिए ये आपके पास डेटा है, अभी सारी सिटीज का दिखा रहा है, पलवल का देखना है खाली ये आ गया, फरीदाबाद का देखना है ये आ गया, मल्टीपल सिटीज का देखना है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स यहाँ क्लिक कर दीजिए, जिन जिन का देखना है क्लिक कर दीजिए ये आ गया। बट इसमें आपको क्या है, कंसोलिडेटेड दिखाता है, आपको डिटेल नहीं दिखाएगा कि कौन कौन सी सिटीज का है, ठीक है जी। जब मान लीजिए क्वेरी आ गई कि आपको क्या करना है कि इस तरह की रिपोर्ट बनानी है, आपके जो है एरिया हेड्स बैठे हुए हैं, एरिया मैनेजर्स हैं, जो हर एक सिटी हर एक एक मैनेजर के पास है, ठीक है जी। अब आप हर एक सबको तो एक साथ डेटा देंगे नहीं, ठीक है जी। और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं डेट भी ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, और इसको कन्वर्ट कर देता हूँ अपना
यहाँ से ऑप्शंस में इसको मंथ एंड ईयर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह से उनको पूरा डेटा देना है आपने, ठीक है जी, हेड्स को देना है हर एक सिटी का। तो क्या करेंगे मोस्टली जी लोग, क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया पहले और फिर कॉपी किया, फिर पेस्ट मारा, नई शीट बनाई, भेज दी, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जितनी आपको सिटी दिख रही है, ठीक है जी, यहाँ जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन का कीवर्ड है आपके पाइवट टेबल टूल्स में, ऑप्शन का ये है, इसमें रिफ्रेश होता है और देन आपके पास ऑप्शन का ये ऑप्शन है आपके पास इधर, देन इसके अंदर है, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। जब आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के जाता है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस का, शो ऑल रिपोर्ट फिल्टर पेजेस ऑफ सिटी, या अगर इसके अंदर दो या दो से अधिक या कुछ आप मान लीजिए नेम भी डाल दिया वो भी है तो वो भी दिखा देगा, पर आप इस ऑप्शन को किसी एक ऑप्शन के साथ ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ही लिया है फिलहाल सिटी, मुझे चाहिए एक्चुअली सिटी वाइज रिपोर्ट। तो जैसे ही मैंने इस पे ओके किया तो एक बार आप अगर नीचे देखेंगे तो ये पलवल का डेटा है आपके सामने, पलवल की शीट है, फरीदाबाद का डेटा है, फरीदाबाद की शीट है, नोएडा का डेटा है, नोएडा की शीट है, दिल्ली का, दिल्ली, सोनीपत, जींद, हिसार, ठीक है जी। अगर आपकी कंपनी ऑल इंडिया बेस पे काम कर रही है तो कुल मिला के 636 के आसपास डिस्ट्रिक्ट होती हैं जिसमें से आपकी 150-200 एक्टिव होती हैं। तो 150-200 पेज का अगर ऐसा डेटा बनाना है आपको, ये ऑप्शन आपके लिए सबसे पावरफुल ऑप्शन है, ठीक है जी। एक झटके में आपको अलग से रिपोर्ट बना के दे देता है। चलिए अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपकी ये रिपोर्ट बन गई, ये तो आपके सेटिस्फाई हो गए एरिया मैनेजर। अब आपके पास टास्क आता है एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट, ठीक है जी। अब एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट में मैं क्या करता हूँ, सिटी को यहाँ कर देता हूँ, नेम को इधर कर देता हूँ। अब एम्प्लॉय को अपनी डिटेल चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे फिल्टर में तो संदीप का डेटा अलग आ रहा है, उसका डेटा अलग आ रहा है, ठीक है जी। इसको क्या करता हूँ, मैं सिटी को इधर कर देता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया सा डेटा लग रहा है। ये वाली फाइलें मान लीजिए आपको भेजनी है हर एक एम्प्लॉय को, तो आप सेम ऑप्शन यूज कर सकते हैं अपना, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस वाला ऑप्शन में जाके ये शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, नेम वाइज बनानी, नेम वाइज बन गई, संदीप, हरीश, विकास, महेश, सुजीत, हर एक की अलग अलग डेटा शीट बन गई, आप इनको तुरंत तुरंत भेज सकते हैं, ठीक है जी। तो पाइवट टेबल में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट आपका जो है रिपोर्ट का काम ये ही ऑप्शन करा देते हैं, ठीक है जी। देन इसमें कुछ और देखते हैं, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस देखा हमने, अब थोड़ा सा डेटा कम करता हूँ इसमें ताकि और ऑप्शन देख सकें हम इसके। तो नेम को यहाँ रख दिया, ठीक है जी। सॉर्ट करना है आपने, राइट क्लिक करके आप इसे कर सकते हैं सॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसके वाइज करना है या इसके वाइज करना है आपने सॉर्ट, ठीक है जी। किसी के भी हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहां से करना है आपको सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, आपको इनके हिसाब से नहीं करना, मैनुअल करना है कुछ, मतलब आप चाहते हैं कि सुजीत के बाद विकास आना चाहिए तो यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर ले जा सकते हैं, उसका डेटा भी साथ में शिफ्ट होगा, ठीक है जी। तो अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। सॉर्टिंग फील्ड आपका, सॉर्टिंग का जो टास्क है इसके अंदर भी हो जाता है। देन देखते हैं कि आपको जो मैंने अभी तक रिपोर्ट फॉर्मेट दिखाए हैं, जैसे मान लीजिए मैं सिटी फिर से लाता हूँ इसमें, तो ये कुछ रिपोर्ट फॉर्मेट जो है प्लस माइनस का साइन कंफ्यूजन है,
यहाँ पे टोटल आ रहा है, आपको चाहिए? नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल, क्योंकि मैंने पहले कंपनी में काम किया था। मैं कहते हैं, कहते तो पागल है क्या, ऊपर टोटल करके देता है, ऐसे कोई फॉर्मेट होता है? वो मैनुअल काम करने वाले थे, अब उन्हें क्या पता सब ऑटोमेटिक है। अब यहाँ पहले से है तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ आना चाहिए, क्योंकि बॉस लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट नीचे देखते हैं, भाई साहब टोटल तो यहाँ है, तुम कहाँ दे रहा है, वो आपसे चेंज करवाएंगे। तो इसमें आप जब डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन के ये ऑप्शन और डिजाइन तब आपके एक्टिव होंगे जब आपका कर्जर यहाँ होगा। यहाँ होगा तो आपको ये दिखाई नहीं देंगे, ठीक है जी। तो रिपोर्ट लेआउट आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरी बात, इसमें क्या पंगा आ रहा है कि आपका जो एम्प्लॉय नेम है और जो सिटी नेम है वो एक ही फील्ड में आ रहा है, तो आप इस डेटा को करके बाद में कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्मेट, शो इन आउटलुक फॉर्म, शो इन टेबलर फॉर्मेट, ठीक है जी। रिपोर्ट लेआउट में शो इन टेबलर फॉर्मेट। अब टेबलर फॉर्मेट में आपका मनपसंद आपको वो दे देता है टोटलिंग ऑप्शन, ठीक है जी। पहला ऑप्शन ये, दूसरा यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, ठीक है जी, इस तरीके से दिखा रहा है। अब इसमें देखिए पंगा क्या है, ऐसी रिपोर्ट तो बना दें, कई बार फॉर्मेट करना पड़ता है इनको, तो क्या करेंगे, अपने बॉस लोगों को डायरेक्टली, अगर थोड़े से ठीक ठाक हैं वो, पाइवट वगैरह जानते हैं चलाना, तभी दीजिए, वैसे दिखाएंगे तो मतलब प्रॉब्लम ही होगी, ठीक है जी। मैंने क्या किया, इसको इस डेटा को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से ये डेटा मैंने कॉपी किया, नई शीट में पेस्ट कर दिया। पर क्या मैं डेटा इस तरह से दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो आपको इसके ट्रिक्स बताता हूँ कि आप कैसे डेटा को जल्दी जल्दी फॉर्मेट करके देख सकते हैं, या फिर आपको इससे आगे कोई रिपोर्ट बनानी है उसमें कैसे करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले तो फिल्टर लगाया मैंने, और देखिए ये टास्क क्या है, जो टोटल है वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है जी। इसका टोटल आ गया, तो इस केस में क्या करेंगे, आपको आपको यहाँ से जब देखेंगे फिल्टर फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ब्लैंक वाले फील्ड है वो सिलेक्ट कीजिए, वो सारे टोटल वाले हैं, वहाँ क्या कर दीजिए, इक्वल टू करके इसके आगे वाला सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से बस आपने कर दिया ड्रैग, ठीक है जी। एक काम तो ये हो गया, इसको क्या करेंगे फिर, पेस्ट एज स्पेशल कर लेंगे, पेस्ट एज वैल्यूज कर लेंगे, देन इसको बेशक से डिलीट कर दीजिए। तो आपका ये एक झटके में काम हो गया जो करना चाह रहे थे हर एक का। मान लीजिए बॉस कहता है ये टोटल के बाद बीच में एक लाइन का गैप आना चाहिए, तो यहाँ से चलिए लाइन लाइन का, या मान लीजिए ऐसा ही डाटा दिखाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, कई जगह ये मर्ज करके दिखा देते हैं, ये फील्ड मर्ज हो जा, मर्ज करके दिखा देते हैं, ठीक है जी। ऐसा भी डाटा भेजना है तो इसका कैसे करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे भी आता है, ऑप्शन में जाके ये ऑप्शन भी वही है सेम, ठीक है जी। तो मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल क्लिक किया, ओके मर्ज हो गए सारी फील्ड, मर्ज हो गई। देन क्या कर सकते हैं, एक लाइन का गैप चाहिए जैसा मैंने बताया था, राइट क्लिक किया, वही पाइवट टेबल ऑप्शंस पे चले गए, देन आप क्या करेंगे इसमें, डिस्प्ले प्रिंटिंग, इसमें कहाँ गया वो ऑप्शन, एक लाइन का गैप वाला, ये ऑप्शन सारा हमेशा भूल जाता हूँ। रिपोर्ट लेआउट ब्लैंक रो, यस ये ऑप्शन आपका डिजाइन में ब्लैंक रोज पे, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, ठीक है जी। तो हर एक टोटल के बाद एक लाइन आ गई, ठीक है जी, हटा भी सकते हैं नहीं चाहिए, ऐसा है। दूसरा है, मान लीजिए ऐसे नहीं करना है, आपको कोई डेटा अलग से फॉर्मेट करना है, फिर से डेटा की फॉर्म में चाहिए और उसमें से फिर कोई पाइवट लगाना है, तो पाइवट लाइक डेटा आपको फिर बनाना है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, पाइवट के ऑप्शन में चला जाता हूँ, मर्ज एंड सेंटर फिलहाल तो हटा देता हूँ,
हमने किया था यहाँ पे मार्जिन सेंटर को हटा देता हूँ, इसको फिर से ले जाता हूँ कॉपी करके। हाँ ठीक है जी। अब टास्क है पाइवट के लिए, अगर मुझे बाहर से वैसा डेटा बनाना है तो मुझे टोटल हटाना पड़ेगा। ठीक है जी। टोटल हटाने के लिए आपको यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ पे सब टोटल्स का कॉलम है। ठीक है जी। डू नॉट शो सब टोटल, कोई सब टोटल नहीं दिखाएगा। शो ऑल सब टोटल बॉटम एट द ग्रुप, बॉटम में दिखा रहा है। शो ऑल सब टोटल टॉप ऑफ द ग्रुप, तो ये क्लासिक में टॉप वाला ऑप्शन नहीं चलता आपका इस रिपोर्ट फॉर्मेट में। शो एंड कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में करेंगे तभी ये ऑप्शन आपको इस तरह से दिखाएगा टॉप वाला। ठीक है जी। शो इन टेबुलर फॉर्मेट करेंगे तो यही दिखाएगा, चाहे टॉप कर लें चाहे वो कर लें। तो फिलहाल के मुझे क्या चाहिए, सब टोटल नहीं चाहिए। अब ये डेटा है, प्लेन डेटा है। और देन मुझे कई बार क्या होता है, ग्रैंड टोटल भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। ग्रैंड टोटल भी हम हटा सकते हैं, सिटी को मैं यहाँ ले जाता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है, किसी एक डेटा को हटा देता हूँ, क्वांटिटी को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक ग्रैंड टोटल आ रहा है, एक यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ रहा है। तो इन ऑप्शन को अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ से ग्रैंड टोटल भी ऑप्शन है। ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, ऑफ ऑन फॉर रो एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज ओनली, ऑन फॉर कॉलम ओनली। तो ना मुझे रो में चाहिए ना कॉलम में चाहिए तो मैं ऑफ कर देता हूँ, कहीं नहीं चाहिए। तो ये डेटा फॉर्मेट में आ गया। ठीक है जी। देन मुझे क्या था, मैं कह रहा था इस तरह से डेटा है मेरे पास। ठीक है जी। अब अगले पाइवट के लिए डेटा मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया यहाँ पे। अब कोई फसाद नहीं है इसमें। कॉपी किया, पेस्ट किया। अब काफी हद तक तो मैंने मिनिमाइज कर दिया, बट अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि यहाँ जो है ये ब्लैंक है, इस डेटा को मुझे फिल करना है। ठीक है जी। कैसे करूँगा, एक ऑप्शन तो ये है, यहाँ से पहले फिल्टर लगा लेता हूँ दोबारा, क्योंकि ब्लैंक के ऑप्शन मुझे दिखा नहीं रहा है इसमें। और ये तो मेरे ख्याल से पाइवट ही है, इसको कॉपी करके। अच्छा यहाँ पे भी पाइवट कॉपी हो रखा है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाइवट भी कॉपी हो जाता है कई बार। तो इसको मैं इसको फिलहाल पेस्ट एज वैल्यूज कर लेता हूँ। ठीक है जी। पेस्ट एज वैल्यूज कर लिया, अब मेरा कोई पाइवट वाइवट नहीं। अब मेरा टास्क है कि यहाँ पे डेटा फिल करना है जो ये है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं फिल्टर लगा दिया पूरे डेटा को सिलेक्ट करके। देन मेरे पास यहाँ पे क्या है, ब्लैंक। ठीक है जी। अब यहाँ देख रहे हैं कि हम थर्ड रो पे हैं। यहाँ क्लिक किया मैंने, इक्वल टू दबाया और ए कॉलम में हूं, तो A2 ऊपर वाला क्या था मेरा, ब्लैंक है। मतलब जो जहां जहां फिल है उसको हाइड कर रखा है, उसके ऊपर ही है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको उठा के ड्रैग कर देना है, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो अपने ऊपर वाला ही डेटा लेगा। ठीक है जी। कैसे काम किया ये, यहां पे देखिए, मैंने फॉर्मूला ये लगाया था, अपने ऊपर वाला लेता गया, ये यहाँ पे भरा हुआ था तो यहाँ नहीं आया, फॉर्मूला ड्रैग हुआ अगले वाले में, फिर उसने अपने ऊपर वाला ले लिया, इसी तरह से वो नीचे चलता गया। ठीक है जी। जिस तरह से मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया, तो फॉर्मूला व्यू में जाके शो फॉर्मूला पे क्लिक कर सकते हैं, तो शो फॉर्मूला दिखाएगा। ठीक है जी। चाहे जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं देखने हैं तो यहाँ शो फॉर्मूला पे देख सकते हैं। इसका शॉर्टकट जो है वो आपको यहीं पे दिखाई दे जाएगा, कंट्रोल, और ये टिल्ड का साइन है जो कि आपका होता है अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है ना, न्यूमेरिक वाला वन से पहले होता है टिल्ड का कीबोर्ड पर टैब के ऊपर। ठीक है जी। तो कंट्रोल के साथ उसको दबाएंगे तो ये भी आपका इसमें उसमें स्विच करता है। ठीक है जी। सर क्या दूसरी शीट को हम दोबारा से फाइल भेजते हैं इसी शीट को? हाँ, अब ये मैं डेटा इसीलिए लाया ना, कई बार क्या होता है ना, मुझे बहुत सिलेक्टेड डेटा चाहिए। मान लीजिए 26-27 हज़ार रो है, उसमें से कुछ डेटा छांट के लाया। अब मुझे उसके ऊपर दूसरी पाइवट लगानी है, तो
तो उस डेटा को प्रिपेयर कैसे करेंगे मैं वो बता रहा था, ठीक है जी, क्या क्या ट्रिक्स अपना सकते हैं उसके साथ, जैसा कि मैंने इसमें किया आपने इस डेटा में, अगेन इस पे पाइवट लगा दी क्योंकि ये प्लेन डेटा है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे इसमें, थोड़े से और ऑप्शंस देखते हैं जो हमारे इसमें होते हैं, राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, प्राइवेट टेबल ऑप्शन, मर्जिन सेंटर के लिए था, शो ग्रैंड टोटल वाला जो डिजाइन कॉलम में, वो सारा आपका यहाँ है, ग्रैंड टोटल फॉर रो, ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम, ठीक है। अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड, ये वही वाला ऑप्शन है, जब आपका कॉम्पैक्ट व्यू में होता है तो मल्टीपल फिल्टर्स आता है, ठीक है जी। तो आपके वो अंदर जाने की जरूरत नहीं, सारे ऑप्शन यही है, सब टोटल का यही है, अब दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते हैं, ग्रैंड टोटल का यही है, ठीक है जी। ग्रैंड टोटल आपका जैसे सेल्स है, आपकी सिटी आ गई बीच में, तो ये जो होते हैं ये ग्रैंड टोटल होते हैं नीचे नीचे, ठीक है जी। हाँ यहाँ तो ग्रैंड टोटल भी चूज कर सकते हैं, ब्लैंक रो इंसर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट लेआउट आपके पास तीन है। दूसरा जो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि जैसे मैंने एक तरीका बताया कि आपको फिल करने के लिए दोबारा से डेटा बना के दिखाया, अगर आप इस तरह का भी चाहते हैं तो अगर आप 2013 या वो सब खोलेंगे तो उसके अंदर आपका ये चलता है, इसके अंदर जो आप पाइवट टेबल का ऑप्शन खोलेंगे 2013 वगैरह के अंदर, तो ये आपके पास चौथा ऑप्शन होता है, शो रिपीट फील्ड हेडर्स करके होता है चौथा ऑप्शन, तो आपको इसी तरह का डेटा देगा। अभी ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है चलते हुए, इसको मारे को, ठीक है जी। तो ये आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, वैसे ही करके दिखा दिया मैंने, ठीक है जी। दूसरा एक और चीज कर देता हूं मैं, यहां से सब टोटल हटा देता हूँ फिलहाल। क्या तो दोबारा से फिर से प्राइवेट बनाएंगे शीट नंबर टू को, चीज, वही इंसर्ट शीट करके, नंबर इंसर्ट वन करके शीट उससे लिंक्ड नहीं होगा ये, इसको दोबारा से, उससे लिंक्ड नहीं होता ये, बस आपको सिलेक्ट करके क्या करना है, डाटा सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल ले लेना है, ठीक है जी। फिर बन गया आपका पाइवट, है ना, तो इसमें तो कोई वो है ही नहीं, ठीक ठीक। है जी। बाकी मैं बात कर रहा था कि मेरे पास जैसे दोबारा से मैंने सिलेक्ट कर लिया है, एक और ऑप्शन है हमारे पास करने का, यही सेम चीज, यहां पे मुझे क्या करना है, वो ब्लैंक्स भरने हैं। कैसे करूंगा मैं, इसमें जाऊंगा फाइंड एंड सिलेक्ट में, कोई सिलेक्शन नहीं लिया मैंने, फाइंड एंड सिलेक्ट में गया, गो टू स्पेशल में गया, और मैंने क्या कर लिया, मैंने चूज कर लिए ब्लैंक्स, आ गए तो मेरे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जैसे वो मैं फिल्टर से कर रहा था वही हो गया, इक्वल टू करके ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एंटर कर दिया, तो भी सेम काम हो गया, ठीक है जी। क्योंकि उसने सिलेक्शन में सिर्फ ब्लैंक के लिए थे और सेम काम किया है, देखेंगे कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो इन्हीं पे इफेक्टेड हुआ था ये जो कलर्ड एरिया आ रहा है। हाँ यहाँ पे भी एक हो गया, चाहे इसको रखे ना रखे, यहाँ तो वैसे ही ब्लैंक था, ठीक है जी। अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें गलत सिलेक्ट किया है ना, तो आप इसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, गो टू स्पेशल और देन ब्लैंक्स, तो इसके वाले ही सिलेक्ट करेगा, ये नहीं सिलेक्ट करेगा, इक्वल टू करके ऊपर अप एरो प्रेस किया और कंट्रोल एंटर मार दिया, कंट्रोल एंटर कर दिया, ठीक है जी। सबसे आसान तरीका, एक सेकंड,
ठीक है जी, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना, कल हम आपको इस पर एडवांस चीज कराएंगे। इसमें फॉर्मल फिट कर सकते हैं प्राइवेट में किसी में? सब कर सकते हैं सर, बाकी के एडवांस ऑप्शन आपको कल बताऊंगा, जिसमें कि अलग हमें एक्सेस से डेटा कैसे लेना है, मल्टीपल पाइवट कैसे डील की जाएंगी, और चलो सैटरडे को, अगर अच्छा हाँ कल तो सैटरडे है। मैं वैसे सोच रहा था कि जैसे आपकी क्लास स्किप हुई है ना, तो एक आधी मैं सोच रहा हूँ संडे अगर आप लोग फ्री हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा तो सा एक्स्ट्रा क्लास देना चाह रहा था। इस संडे तो फेस्टिवल है, तो कल कल ले सकते हैं सैटरडे, अगर बाकी इस अदर सर ओके, तो अच्छा संडे तो हाँ, फेस्टिवल है ना सर, तो ओ इस हो, अदर हाँ सही कह रहे हैं, मेरे को तो अदर एक्चुअली बाकी